Hello everyone, welcome to your social science class. Today we will discuss about the chapter political parties, and today we will discuss about the national parties of India. अब हम बात करेंगे characteristics of Indian party system. Indian party system की क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या उसकी characteristics हैं. Multiple party system, अब इंडिया के अंदर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है. 2006 की बात करते हैं, नेशनल पार्टी कितनी थी हमारे यहाँ, 6, और रीजनल पार्टी कितनी थी, 35, और नॉन रिकॉग्नाइज पार्टी कितनी है, 612. एंड राइज ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी, अब अपोजिशन पार्टी एक अच्छी इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी है इंडिया के अंदर, जैसे हमारी बीजेपी है, बीजेपी के अगेंस्ट कौन सी अपोजिशन पार्टी, हमारी कांग्रेस. तो अपोजिशन पार्टी का क्या फ़ायदा होता है, अपोजिशन पार्टी जो होती है वो हमारी पार्टी के कामों पर नज़र रखती है, और उनके कार्यों, उनके प्रोग्राम्स और जितनी पॉलिसीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं करते हैं तो वो उनके कामों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना की जाती है. वो क्रिटिसाइज़, जो क्रिटिसिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो सही कार्य करना स्टार्ट कर देती है, और उसको ये होता है कि हमें सही प्रकार से कार्य करना चाहिए, अदरवाइज़ अपोजिशन पार्टी क्या होगी, हमें क्रिटिसाइज़ करेगी. तो क्रिटिसिज्म का एक ये बेनिफिट ये है कि जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज़ किसी को किया जाता है तो ये हमारी पब्लिक के फेवर में होता है, ये लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के फेवर में होता है और जनता के फेवर में होता है. तो इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अब इंडिपेंडेंट मेंबर्स, अब जो हमारी इंडियन पार्टी सिस्टम है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और उनके पास क्या होता है कि वो लोग किसी को भी अपनी वोट दे सकते हैं और किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, और अपना रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्जी से चुन सकते हैं. तो किसी को भी किसी पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो सब स्वतंत्र रूप से अपनी मन मर्जी से अपना चुनाव कर सकते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी कम्युनल एंड रीजनल पार्टीज़, अब क्या है कि बहुत सारी ऐसी कम्युनल और रीजनल पार्टी भी उनका भी उदय होता है, तो जो ये पार्टीज़ हैं ये भी अपने अकॉर्डिंग कार्य करती हैं. तो इंडियन पार्टी सिस्टम के अंदर कम्युनल और रीजनल पार्टीज़ का भी योगदान है. अब जो स्पेसिफिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करते हैं, आर्टिकल 19 में सभी सिटीज़न जो हैं उनको राइट है कि जो कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं और कोई भी यूनियन तैयार कर सकते हैं. तो इसीलिए ये एक मतलब कि एब्सेंस है इस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंदर, लेकिन बात की जाए, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक होती है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूनियन बना सकती है और एसोसिएशन तैयार कर सकती है. अब टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टी दो तरह की होती है, एक नेशनल पार्टीज़ और स्टेट और रीजनल पार्टीज़. जो नेशनल पार्टी होती है वो यानी कि 6% जो टोटल वोट्स होती हैं लोकसभा इलेक्शन के अंदर उनके पास होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए. और असेंबली जो इलेक्शन किए जाते हैं वो 4 स्टेट के अंदर, यानी कि उनको क्या है, विन एट लीस्ट उनको 4 सीट्स लोकसभा की उनके पास होनी चाहिए. तो उनके पास अगर ऐसा है तो वो क्या है, हमारी नेशनल पार्टीज़ कहलाएंगी, यानी राष्ट्रीय दल कहलाएगा. इसके बाद है स्टेट और रीजनल पार्टीज़. अब जो पार्टी सिस्टम है उसके अंदर स्टेट और रीजनल पार्टी हैं जिनमें एटलीस्ट 6% जो टोटल वोट्स का 6% होता है जो उनका स्टेट के लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उनके अंदर उनके पास 6% वोट्स होने चाहिए, और उनको कम से कम 2 सीट्स उनकी होनी चाहिए हर एक स्टेट के अंदर. तो हर एक स्टेट में उनकी 2 सीट्स होनी चाहिए, तो इस प्रकार से वो स्टेट और रीजनल पार्टी कहलाती हैं. तो ये दो तरह की पार्टी होती है हमारे इंडिया के अंदर. अब इंटरनेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, INC, जिसका सिंबल है, आप देख सकते हो कांग्रेस का जो सिंबल है हमारा हैंड है, हाथ है. तो ये सबसे पुरानी पार्टी है, ये 1885 में जो फाउंड की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी. और इस पार्टी में जो हैं ये इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले ही हमारी ये पार्टी फॉर्म हो चुकी थी. और जो ये रूलिंग पार्टी है ये कब इसने रूल आउट किया था, 1977 में आफ्टर इंडिपेंडेंस. और इसके बाद जो ये पार्टी है हमारी ये
इसकी आइडियोलॉजी जो है वो इस प्रकार से है कि वो सबकी वेलफेयर के लिए काम करती है, और जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है इंडिया का, उसके लिए ये काम करती है। जहाँ भी इनको वीकर सेक्शन नज़र आता है, वहाँ जाकर ही उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल करती है और उनका ध्यान रखती है, और वीकर सेक्शन को और ऊपर उठाने के लिए उनकी मदद करती है। इसके बाद है जो पार्टी है, इसका जो पॉलिटिकल सिंबल है जो मैंने पहले बताया था, इसका हाथ है, और जो इसकी आइडियोलॉजी है, ये सभी जो धर्म हैं, जो सभी रीजन्स हैं, सबको एक समान समझती है, सबको इक्वल ट्रीट करती है, और अपनी पॉलिसीज़ को सही प्रकार से कार्य करती है। इसके बाद है ये हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पिक्चर्स हैं। इसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी नेशनल पार्टी है सेकंड, और बीजेपी जो है वो हमारी फॉर्म की गई थी 1951 में, और ये जो है जो श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और जो ये नेशनल पार्टी है, हिंदुइज़्म, जो हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करती है, यानी कि जो हिंदुत्व के पर विश्वास करती है, जो हिंदू धर्म के जितने भी कोई भी मुद्दे हैं, कोई भी मामले हैं, झगड़े हैं, उनको निपटाने की कोशिश करती है, और हिंदुत्व पर ज़्यादा विश्वास करती है, हिंदू नेशनलिज्म पर। और जब ये पावर में आई थी 1998 में, तो जो इसके लीडर थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर थे, और नॉर्थ और वेस्ट पार्ट जो है इसका कंट्री का, वो लिमिटेड था, और इसके अकॉर्डिंग मतलब हमारी जो ये है इंडिया भारतीय जनता पार्टी का कार्य करती है, और इसमें आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और जो लोकसभा के अंदर क्या है, ये पार्टी अपोजिशन पार्टी लोकसभा, द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, ये लोकसभा में भी मतलब इसका वो है, योगदान है। और द पार्टी पॉलिटिकल सिंबल क्या है, इसका सिंबल लोटस है, कमल का फूल है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल है ये, और इसका जो सिंबल है वो कमल का फूल है। इसके बाद है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और उसका सिंबल आप देख सकते हैं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी जिसको बोला जाता है, 1984 में कांशीराम के द्वारा मतलब इसको फॉर्म किया गया था। और जो ये पार्टी है, इसमें जो दलित्स और ओप्रेस्ड पीपल, जिनको दबा दिया गया था, और इस प्रकार के लोगों को इसमें मदद की जाती है, और इस प्रकार से उनकी वेलफेयर के लिए कार्य किया जाता है। और जो मेन बेस है इसका उत्तर प्रदेश, और इस प्रकार के जहाँ भी दबे हुए दलित वर्ग हैं उनको हेल्प की जाती है, और नेबरिंग स्टेट्स हैं जो इनके, उनकी हेल्प की जाती है। और पॉलिटिकल सिंबल इसका है हाथी, एलिफेंट। अब आप देख सकते हो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के लीडर, एंड उसका आप सिंबल देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।